फ्रेंड्स, टुडे इज समथिंग मच ऑफ कॉन्सर्न। प्लास्टिक हल्की, टिकाऊ, सुंदर और सस्ती होने के आड़े अपने बुराइयों को छुपाए हमारे दैनिक दिनचर्या में हद से ज़्यादा यूज़ की जाने वाली वस्तु है। इसके बढ़ते इस्तेमाल से बढ़ता पॉल्यूशन और भी तेज़ी से बढ़ रहा है। गार्बेज आइलैंड, गार्बेज माउंटेन जैसा कुछ नया पर्यावरण में कैसे शामिल हो रहा है, ये सब जानने के लिए और रोकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेट्स प्रोसीड फर्दर। वी हैव सीन और नॉट नोटिस प्लास्टिक की बोतलों में नीचे की तरफ कुछ त्रिभुज बना होता है और उस पर कुछ नंबर लिखा होता है। ऐसा क्यों? इन नंबर्स का क्या अर्थ है? इन्हें क्यों लिखा जाता है? लेट्स सी। दिस इज रेसिन आइडेंटिफिकेशन कोड। रेसिन का अर्थ है राल या पदार्थ जिससे प्लास्टिक बना होता है। यह कोड जानकारी देता है कि कौन सी खतरे वाली रेजिन है या कौन सी नहीं। टोटल कोड 1 से लेकर 7 तक दिए जाते हैं। नंबर 1, PET या PETE, इसको पॉलीएथिलीन टेराफाइलेट। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज्ड। इससे कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जार, ओवन ट्रे, डिटर्जेंट और क्लीनर कंटेनर इत्यादि बनाए जाते हैं। PETE में बैक्टीरिया वगैरह जल्दी जम जाते हैं। सो दिस इज मेंट फॉर सिंगल यूज़। इसे एक बार से इस्तेमाल करके कबाड़ी में दे देना चाहिए। नंबर 2, HDPE या हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये प्लास्टिक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑफ बींग सो चीप। इससे प्लास्टिक बैग, दूध, जूस आदि के डिब्बे बनाए जाते हैं। दिस इज सेफ फॉर आवर हेल्थ। ये टिकाऊ है, अर्थात आप इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, PVC और पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस प्रकार की प्लास्टिक से PVC प्लम्बिंग पाइप्स वगैरह बनाई जाती हैं। ये कठिन और रफ होती हैं। इसमें खाने पीने के सामान पकाना या स्टोर करना बहुत हानिकारक हो सकता है। फिर भी इसका इस्तेमाल खिलौनों, शैम्पू की बोतलों, माउथ वॉश की बोतलों वगैरह में तेज़ी से किया जा रहा है बिकॉज वी आर अनअवेयर। नंबर 4, LDPE या लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इसका प्रयोग खाने और दवा के पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी पतली बनाई जा सकती है, इसलिए ब्रेड, किराने के सामान इत्यादि के प्रयोग में ली जाती है। ये हमारे लिए सुरक्षित तो है, पर दुखद है कि बहुत कम रिसाइकल किया जा सकता है। नंबर 5, PP या पॉलीप्रोपाइलीन। दिस इज़ यूज्ड टू मेक दही का कप, पानी या केचप वगैरह की बोतल, डिशवेयर, स्ट्रॉज, बॉटल कैप्स एक्सेट्रा। ये सुरक्षित है, पर कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखना चाहिए, जैसे फैटी फूड्स ना रखें इस बर्तनों में। नंबर 6, PS या पॉलीस्टराइन। इसमें डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप, प्लेट्स, अंडे के कार्टून, पैकेजिंग, बाइक हेलमेट और यूज एंड थ्रो प्लेट्स वगैरह आती हैं। ये नंबर की प्लास्टिक हाल में ही बहुत डेंजरस प्रूफ हुई है। दिस इज अनसेफ and food stored in it becomes poisonous and on heating it releases toxic chemicals. Number 7, other की कैटेगरी आती है इसमें। इसमें बचे सभी अन्य प्रकार के प्लास्टिक आ जाते हैं। It is said that कि इस तरह की प्लास्टिक को अपने रिस्क पर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं रखना चाहिए। But sorry to tell you, most of the edible things are packed in this type of plastic only. इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द नेम्स। सो सिर्फ ये याद रखिए कि कौन सी MLA सुरक्षित है, जैसे 2, 4 and 5। रेस्ट 3, 6, 7 आर अनसेफ एंड मे प्रूव हजार्डस टू हेल्थ। वैसे तो सभी प्लास्टिक हमारे लिए और पर्यावरण दोनों के लिए ही अच्छी नहीं है, हानिकारक है, लेकिन इसके इतने उपयोग और गुण के आगे एक बैग बंद करना में असमर्थ है। सो फॉर राइट नाउ अवॉइड प्लास्टिक। लेना पड़े भी तो रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड को देखकर ही लें। अगेन आई रिपीट सेफ नंबर्स, दैट इज़ 2, 4 and 5। जय हिंद।